मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जॉन, भाई धर्म क्रिश जॉन। आज इस शो में हम बैठे हैं एक मुद्दे पे जिसका नाम है हिंदू मुस्लिम भाई भाई सपने में गैरों में कहां दम था, हमें तो लूटा अपनों ने। चलिए शुरुआत करते हैं, रिमोट से हटाते हैं पर्दा और मिलवाते हैं आपको अपने गेस्ट से। एक मिनट, अबे साले क्या कर रहा है, पर्दा हटा, जल्दी पर्दा हटा। हाँ सर, हटाता हूँ। पर्दा हटाऊँ। एक तरफ है हमारे मिश्रा भाई और दूसरी तरफ है हमारे मियां भाई। तो अभी विवाद चल रहा है अयोध्या का, आप दोनों को ख्याल से अयोध्या में क्या बनना चाहिए? अयोध्या में सिर्फ मंदिर बनेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मंदिर में घंटी बजेगा टन टन, तब शुद्ध होगा लोगों का मन। नहीं, अयोध्या में शिव मस्जिद बनेगा। वो क्यों भाईजान? क्योंकि जब सुबह में मस्जिद से आवाज आती है अल्लाह, तो शुद्ध हो जाता है पूरा मोहल्ला। मंदिर मस्जिद से अच्छा है वृद्धाश्रम बनवा दो, अनाथ आश्रम बनवा दो या मुफ्त अस्पताल बनवा दो। आप लोग इधर देखिए, इधर देखिए। दूसरी बात जो जनता जानना चाहती है भाईजान, ये मुहर्रम क्या है और ये बजरंग दल क्या होता है भाई साहब? अरे मैं बताता हूँ मुहर्रम क्या होते हैं। कौन से अल्लाह कहते हैं तलवार लेके खुद को काट ले? तुम्हारे कौन से भगवान कहते हैं बजरंग दल के नाम पे लाठी उठाओ और दंगे फसाद करवाओ? ना अल्लाह कहते हैं कि खुद का खून बहाओ, ना भगवान कहते हैं कि बजरंग दल के नाम पे हकदर मचाओ। एक तरफ हिंदू तो दूसरी तरफ मोहम्मदम है, इन दोनों की बातों में न जाने कितना दम है। इसका फैसला करने बुला रहा हूँ एक एक्सपर्ट जो किसी से न कम है। जी हाँ, अभी जो आप दोनों एक आवाज सुन के ऐसे 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 कर रहे थे, वो आवाज थी हमारे एक्सपर्ट की। बुलाता हूँ उन्हें, जोरदार तालियां हमारे एक्सपर्ट के लिए। अरे पानी लेके आओ एक्सपर्ट साहब के लिए। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं। आप बताएं आपका नाम क्या है? नहीं पता। अरे कुछ तो नाम होगा, नौशाद, अली, सलमान, कुछ तो नाम होगा। क्यों, मेरा नाम राहुल, राजीव, रोशन, ये नहीं हो सकता? जी नहीं, क्योंकि मुसलमान के ऐसे नाम होते ही नहीं है। आपको किसने कह दिया कि मैं मुसलमान हूँ? तो क्या आप हिंदू हो? मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ मुझे नहीं पता। आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहे। अगर आज मैंने साफ साफ कह दिया तो इन दोनों भाइयों का भी दिल साफ हो जाएगा। कहूँ? जी कहिए। ये कुछ महीने पहले की बात है। एक दिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं किसी के घर में था और मैं अपनी याददाश्त खो चुका था। नाम क्या है भाई तुम्हारा? नहीं पता। अरे रहने कहाँ के वाले हो ये तो बताओ। नहीं पता। अरे भाई कास्ट क्या है तुम्हारी, धर्म वगैरह कुछ तो मालूम होगा? मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। फिर उसने मुझे बताया कि कैसे मैं उसे रेलवे ट्रैक पे मिला जब कुछ लोग मुझे बेरहमी से मारने की कोशिश कर रहे थे। भाई मैंने उसे अपने शहर से दूर लाकर उसका काम तमाम कर दिया है। चलो मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। परवरदिगार आलम मोहताज हैं तेरे हम। डॉक्टर साहब देखिए क्या हो गया। डॉक्टर साहब लेटाओ इसे। वो मुझे हॉस्पिटल भी ले गया, मेरा इलाज भी करवाया, लेकिन क्योंकि मैं अपना जात धर्म सब भूल चुका था इसलिए उसने मुझे अपने साथ रखने से मना कर दिया। मैं याददाश्त तो खो चुका था। जैसे ही उसके घर से बाहर निकला पता चला आज देश में बस एक ही चीज़ चल रही है, हिंदू मुस्लिम जात धर्म। यहाँ तक कि मैंने छोटे छोटे बच्चों को भी जात धर्म के नाम पर लड़ते देखा। तभी मैंने फैसला कर लिया, मेरा ना कोई जात होगा ना कोई धर्म, मेरा जात होगा तो बस इंसानियत का और धर्म होगा बस हिंदुस्तानी। फिर क्या, मैं मस्जिद भी जाने लगा और मंदिर भी।
सर पे मुसलमान की टोपी, हाथ में जेसस और गले में हनुमान। हिंदू मुस्लिम क्या होता है भाई लोग, बस दिल में रखो हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता भाई लोग, बस दिल में रखो हिंदुस्तान। एक गरीब, एक कैमरा।